खबर जबलपुर से, जहां जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने मांगों की पूर्ति के लिए प्रशासन को प्रार्थना पत्र सौंपा है। बता दें, कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष निखिल द्विवेदी के नेतृत्व में ये प्रार्थना पत्र सौंपा गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि पत्रकार के माध्यम से कई बार लिखकर अनुनय विनय और आग्रह किया गया है, लेकिन विवि प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों की मांगों को लेकर के हमेशा से उदासीन रवैया अपनाया जाता है। साथ ही उन्होंने मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन तालाबंदी और धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। कोई भी काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों से चर्चा करके अधिकारियों से मिल के काम कराते हैं। जब अधिकारियों से भोपाल में मिलने जाओ तो कहा जाता है कि आपकी संस्था चूंकि एक ऑटोनॉमस संस्था है, ये बात सही है, और हमारे पास खुद का एक बोर्ड है जो कि किसी भी निर्णय लेने को सक्षम है। और जब अधिकारियों के आदेशों की बात होती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन इस प्रकार के आदेश भोपाल को अपर सचिव को लिखते हैं कि हमारे बोर्ड का जो निर्णय है, अब आप इसको समझेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रबंध प्रमंडल का आदेश मानना बाध्यकारी है, ये भाषा लिखी जाती है। कर्मचारियों की ये मांग है कि जो सातवें वेतन मान के अनुसार उनकी ये मांगे कि कुछ जगह मतलब कुछ यूनिवर्सिटी मतलब ऐसी जो पारंपरिक यूनिवर्सिटी है, अपनी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, विक्रम यूनिवर्सिटी है, ग्वालियर यूनिवर्सिटी है, इन्होंने ये क्या है, सभी संस्थान क्या है कि इनके कॉलेज जो हैं वो एफिलिएट हैं, संलग्न हैं, तो उनके पास आय के साधन भिन्न भिन्न प्रकार के रहते हैं, तो राशि की कमी नहीं होती। हमारे यहाँ